चंद्रशेखर जी लोकसभा में थे, बलिया से उनको आते थे और मेरे और उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैं मेरे पार्टी के तरफ से, मेरे पार्टी के तरफ 4 MP रहते थे, लेकिन संसद में ऐसा होता है कि पार्टी के कितनी स्ट्रेंथ है, उस पर कितना मिनट बोलना है, कितना टाइम बोलना है, वो स्पीकर टाइम देता है। लेकिन मैं ऐसा लोकसभा का मेंबर था कि मैं एक बार खड़ा रहता था, तो मैं जब तक स्पीकर नीचे बैठते नहीं तब तक मैं नीचे बैठा नहीं था। मुझे बहुत आवाज दी जाती थी और कभी कभी फिर चंद्रशेखर जी बोलते थे कि नहीं अठौली जी को बोलने दो। और चंद्रशेखर जी ने जब उनका मुक्ति पत्र लिखा, उसमें जो चंद्रशेखर फाउंडेशन बनेगा उसमें उपाध्यक्ष पद पर मेरा नाम लेना चाहिए, ऐसा जो उन्होंने लिखा है। और मैं चंद्रशेखर जी के फाउंडेशन का मैं उपाध्यक्ष हूँ और हर साल यहाँ भोजपुरी, मतलब भोजपुरी समाज एवं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रेरणा समिति के द्वारा एक बबलू जी हर साल यहाँ प्रोग्राम रखते हैं। और बबलू जी तो भोजपुरी अच्छी बोलते हैं, लेकिन मैं भोजपुरी समझ सकता हूँ लेकिन नहीं बोल सकता हूँ। मैं सबको समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। तो मतलब यहाँ हर साल आप भी मुझे बुलाते हैं। मैं अभी नागपुर में था, नागपुर में भंडारा में एक साहित्य सम्मेलन था, अम्बेडकरी विचार सम्मेलन था, उसको वो प्रोग्राम करके मैं नागपुर से यहाँ तकरीब लाया हूँ। और मैं तो हूँ मतलब उत्तर प्रदेश का रिश्तेदार, मैं तो हूँ उत्तर प्रदेश का रिश्तेदार और मैं हूँ नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सरदार। वो मतलब मुझे मंत्री पद मिला है और सभी ज्यादा भाषण तो यहाँ नहीं करना है, लेकिन यहाँ सभी मेहमान भी इधर आए थे और हमारे नए मेहमान भी है, पुराने मेहमान भी है। मेरी दोस्ती सब पार्टी के साथ होती है क्योंकि कब क्या होगा कुछ पता नहीं। और मेरी पार्टी के और मेरे व्यक्तिगत संबंध सबके साथ अच्छे हैं, मतलब राजनीति अलग हो सकती है, पॉलिटिकल इनमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो महाराष्ट्र की और भारत देश की राजनीति नीतिमत्ता पर आधारित राजनीति है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करना है लेकिन किसके दिल को ठेस लगे इसी तरह के आरोप नहीं करना है। इंडिया की राजनीति बहुत ही सीधी साधी राजनीति होनी चाहिए और मैं मतलब किसके साथ भी रहूं, मैं पुराने साथियों के खिलाफ मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बात करता हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ बात नहीं करते। इन्होंने अगर मेरे साथ गला बात करने शुरू किया तो मैं ऐसी बात शुरू करूंगा लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो बात नहीं है लेकिन मेरे संबंध सबके साथ अच्छे है और इसीलिए यहाँ ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज यहाँ चंद्रशेखर जी को मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट MOS के नाते मैं चंद्रशेखर जी को आदरांजलि अर्पित करता हूँ और चंद्रशेखर जी का समाजवाद का अधूरा सपना पूरा करने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। और जब तक अपने देश में समाजवाद आएगा नहीं तब तक देश का कल्याण होगा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोग देश में समाजवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम बदल होगा नहीं, स्लोली साइलेंट की कोशिश हमारी चल रही है। अभी हमको 3.25 साल हो गए है और हमारे 10 साल बाकी है और उसमें जो भी कुछ काम है वो हमें पूरा करना, एकदम तो काम पूरा होगा नहीं, कोशिश करेंगे। ठीक बात है, राजनीति में जो भी होगा लोकतंत्र का जो रिजल्ट होता है, मानव जनता के मन में जो कुछ है वो हर एक ने स्वीकारना चाहिए। आज हम सत्ता में है, कल क्या होगा कल देखेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेगी दोबारा सत्ता में आने की और हम जरूर सभी लोगों को न्याय देने के लिए काम करेंगे। शब्दों के साथ मैं यहाँ ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर एक बार सब लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई भी देता हूँ और चंद्रशेखर जी के अभियान को स्वच्छ भारत
मिशन जो है ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान को हम सब लोग मतलब सपोर्ट करेंगे और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, भारत को तो स्वच्छ बनाना है लेकिन अपने दिल को भी स्वच्छ बनाना है। तो भारत को स्वच्छ बनाते बनाते दिल को ठीक नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे तो फिर भारत स्वच्छ होगा नहीं। भारत को अंदर से भी स्वच्छ करना है और ऊपर से भी स्वच्छ करना है, उसके लिए इस मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिशन को हम पूरा सपोर्ट करते हैं और मैं उत्तर प्रदेश का जवाई हूँ और मतलब आप लोग मुंबई में रहते हैं, मैं मुंबई से वहाँ कैसा चला गया ये स्टोरी मुझे पूछो, मैं एक दिन आपको बताऊंगा। मैं वहाँ गया, बनारस गया और श्रीवास्तव में ससुराल थे और इसलिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि जिन्होंने शादी नहीं की है उन्हें इंटरकास्ट शादी करनी चाहिए और देश में समता स्थापित करने के लिए, देश में एकता स्थापित करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। जो जो नेता ने भी शादी नहीं किया उनको मैं अपील कर रहा हूँ, करना है तो इंटरकास्ट मैरिज करो, नहीं करना है तो मत करो। इसीलिए फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी मेहमानों का भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ मतलब हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह जी एक बहुत ही सीनियर नेता थे, बहुत सालों से हम उनके साथ हम यहाँ रहे भी हैं और यहाँ हम सब लोग हमारी मैडम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी इधर है, कृपा शंकर भी इधर आए हैं, कृपा शंकर की कृपा मेरे ऊपर बहुत अच्छी रहती थी लेकिन अभी मेरी भी कृपा उनके ऊपर नहीं है और उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर है नरेंद्र मोदी की कृपा, मतलब मेरे ऊपर है नरेंद्र मोदी की कृपा, मेरे ऊपर है नरेंद्र मोदी की कृपा और उत्तर प्रदेश में सपा नहीं सपा मतलब सपा पार्टी पार्टी है, सत्ता में नहीं है वहाँ तो अपनी अपनी सत्ता है, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती हुई मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी का सपना पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय श्री चंद्रशेखर जी का पुण्यतिथि है। तो चंद्रशेखर जी के जो पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मतलब जो यहाँ आज का ये प्रोग्राम रखा गया था तो चंद्रशेखर जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करने के लिए और उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए हम सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। चंद्रशेखर जी एक समाजवादी नेता के रूप में पूरे देश में उभरे गए थे, आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी में रहे लेकिन एक बंडखोर नेता के रूप में उन्होंने मतलब कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी इमेज बहुत ही संघर्षशील बनाई थी। पूरे देश भर में चंद्रशेखर जी बहुत ही बड़े लोकप्रिय थे, बहुत बड़े स्वभाव से सुस्वभावी थे, देश के प्रधानमंत्री पद पर भी जाने का उनको मौका मिला और मेरे और उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। जब मैं 1998 में चुनकर आया था तब चंद्रशेखर जी लोकसभा के मेंबर थे बलिया से और पूरा हाउस उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता था, पूरा देश उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता था और मुझे बहुत बड़ा गर्व इस बात का है कि चंद्रशेखर फाउंडेशन में मैं उपाध्यक्ष के रूप में मैं हूँ और चंद्रशेखर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए, भारत में समाजवाद को मजबूत करने के लिए ज़रूर हम सब लोग कोशिश करेंगे, यही उनको सही आदरांजलि होगी। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मैं उनको हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूँ। बलिया की बात कर रहे थे सर, तो बलिया का उनको बलिया का बाबू भी कहा जाता था, कैसी याददाश्त है आपकी, उनकी छवि कैसी है आपके जहन में? उनकी छवि तो बहुत ही अच्छी है, मतलब अभी बलिया से तो मेरा ज़्यादा संबंध नहीं रहा है लेकिन बलिया के बाबू तो थे ही थे, लेकिन भोजपुरी जो है भोजपुरी बिहार में और जो पूर्वांचल में जो उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बहुत अच्छी तरह चलती है और भोजपुरी पर बहुत सारा प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब चंद्रशेखर जी मतलब उनको बलिया में बाबूजी कहते थे, उनके ऊपर बहुत उनका रिस्पेक्ट करते थे और एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में उन्होंने जो भारत यात्रा निकाली थी, भारत की एकता मजबूत करने के लिए उन्होंने जो भारत यात्रा कन्याकुमारी से निकाली थी और उसमें कई हजारों लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। तो चंद्रशेखर जी एक किसानों के बारे में श्रद्धा रखते थे, दलितों के बारे में उनको बहुत बड़ा प्यार था और इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा
वो भी मानने वाले चंद्रशेखर जी थे, तो इसीलिए हम उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं।